नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके फेवरेट चैनल पे आपका एक मनपसंद वीडियो सीरीज लेके, जिसका नाम है निफ्टी एनालिसिस सीरीज। और आज चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें घटी हैं 2 दिनों में मार्केट में, और आज जो बाजार रहा पूरा ही एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रही है, देखने को मिली है। इसमें ना तो ये कुछ क्लियर हो पाया कि बाजार नीचे जाएगा, ना कुछ क्लियर हो पाया कि बाजार ऊपर आएगा। बट देखेंगे FIIs की एक्टिविटी कैसे रही है, FIIs और DIIs का डेटा कैसा रहा, वो देखने की कोशिश करेंगे। और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज बाजार में कोई ट्रेड सेटअप बन रहा था या नहीं बन रहा था, कैसा बाजार रहा, 15 मिनट में क्या रहा, 1 घंटे में उसने क्या किया, और ओवरऑल बाजार कहाँ बंद हुआ है। चलिए दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों से शेयर कीजिए, और मेरे से आप व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, नंबर और डिटेल्स आपके बिल्कुल सामने हैं। और आज की तारीख 5 जून 2018, टाइम हुए हैं 3:58, 4 बजे हैं दोस्तों, 3:30 बजे मार्केट बंद हुई है, और देख लेते हैं कि मार्केट आज कैसे रही है। चलिए हम आपको ले चलते हैं अपनी कुछ दोस्तों के पास, जिन्हें हम वेबसाइट्स कहते हैं, और उन वेबसाइट्स में सबसे पहला नाम आता है निफ्टी ऑप्शन का चार्ट। ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर दोस्तों, निफ्टी ऑप्शन चार्ट इंडिकेटर। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आज कुछ नहीं कहा इसे, ना तो ऑप्शन पुट साइड में कुछ खास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, और ना ही सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट का ऐड हुआ है किसी कॉल साइड में। तो मतलब एक रेंज बाउंड रहा। अगर देखेंगे पुट कॉल रेशियो देखें तो अभी 34 लाख पुट ऐड हुई है टोटल, और 35 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड में। तो मतलब एक रेंज बाउंड बाजार। आप देखेंगे बाजार में जो फ्यूचर में हाई लगाया 630 का हाई लगाया है, जो लो लगाया 552 का लगाया, और बंद हुआ है 610 के आसपास, निफ्टी बंद हुई है। तो बहुत कुछ खास देखने को नहीं मिला देखिए। और अगर आज की फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि बैंक ये ऊपर में दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी का है, मैंने बैंक निफ्टी का हाई लिया है जो पिछले कुछ दिनों में बना है, और ये मैं जो 26,899 के आसपास लगा था, और बैंक निफ्टी का लो लिया है 25,669 का, जो अभी ही कुछ दिनों पहले लगा है। रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से मार्केट चल रहा है दोस्तों। ये देखिए मार्केट अभी कहाँ खड़ा है, ये 61.8% रिट्रेसमेंट, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ये बहुत ही सॉलिड लेवल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है दोस्तों। 26,138 के आसपास बैंक निफ्टी घूमते हुए, जिसको बैंक निफ्टी ने तोड़ने की बहुत कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हुई। हालांकि एक बार 26,079 के आसपास का लो लगाया है, पर उसके बावजूद 260 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज होने पर हुई है, जबकि एक दिन बचा है। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस करेगा RBI कल 2:30 बजे। बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है दोस्तों, और इस लेवल को मेंटेन करते हुए बाजार वापस 26,284 के आसपास, देखिए ये लेवल है, और बाजार 260 के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ है। मतलब अगर ये इस लेवल को 26,138 को सस्टेन करता है तो 26,284, 26,429 वापस हरियाली आ सकती है मार्केट में। बट देखना होगा कि बाजार कैसा बिहेव करेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से न्यूज चैनल कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल अनचेंज रहेगा, कुछ कह रहे थे कि चेंज होने वाला है, बढ़ा दिया जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, जो डिसाइड करना है RBI ने डिसाइड करना है उसलिए। हालांकि अगर हम देखें बाजार ने उस खबर को डिस्काउंट जरूर कर दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि बाजार 2 दिनों में 26,899 का हाई बनाने के बाद आज 26,000 का लो, मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। तो बाजार अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो बाजार ने एक बार के लिए मेरे हिसाब से इस खबर को थोड़ा सा डिस्काउंट किया है। देखेंगे बाकी कल का ट्रेंड कैसे चलता है। और ये नीचे आप देखेंगे कि निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी में 736 का पिछले कुछ दिनों में हाई लगा था, और नीचे के लेवल पे 430 के लिए हैं, और इसके हिसाब से निफ्टी भी देखिए क्या परफेक्ट चल रही है। निफ्टी अब देखेंगे 600 के आसपास, 610 15 हो रही है, 61.8% रिट्रेसमेंट दोस्तों। फिर से निफ्टी उसी के आसपास घूमती हुई, निफ्टी बिल्कुल उसके आसपास बंद हुई है। तो शायद कल का जो बाजार है, कल ही दिशा उसकी तय होगी कि बाजार में एक्चुअली क्या होने वाला है। चलिए एक बार चार्ट पे नजर डाल लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। मैं निफ्टी अगर हम इस कैंडल पे आ जाते हैं, ये देखिए ये 10 बजे कैंडल है, और ये 9:45, 9:30, 9:15, ये 7:90 बाजार आज मंदी के में शुरुआत हुई, और बाजार 627 से गिरता 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 बाजार ने ये लो लगाया है 550 के आसपास, जो फ्यूचर में 552 का लो है निफ्टी का। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी दी बट उसको सस्टेन नहीं कर पाए। हाँ आखिरी के कुछ क्षणों में देखेंगे, आखिरी के ये कैंडल पे लाएंगे 2:45 बजे, 2:45 बजे बाजार में बाइंग देखने को मिली, और थोड़ा सा बाजार ने रिकवरी करके 550 के निचले स्तर से निफ्टी ने 600 के आसपास बंद करने में कामयाब हुई है। और वहीं हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी नजर डाल लेते हैं, ये देखिए निफ्टी बैंक, और इसको हम बैंक निफ्टी लिख लेते हैं, बैंक निफ्टी। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप इससे थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, हम डिटेल में सीखने के लिए भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है।
और देखिए आज का बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो माइनस ही रहा है, सेलिंग ही रही है और बाजार भी कंफ्यूज रहा कि बुलिश सिग्नल दें, इंडिकेटर्स भी कह रहे हैं कभी बुलिश कभी बेरिश, और यहां से रिवर्सल एक होता दिखाई दे रहा है हल्का सा बैंक निफ्टी में, क्योंकि रिवर्सल अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अनचेंज आ जाते हैं तो बाजार में बैंक निफ्टी वापस मेरे हिसाब से तेज हो जानी चाहिए, और अगर जरा सा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो बाजार गिरेगा। मुझे जैसा बाजार की हलचल को देख के लग रहा है अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, बट फिर भी मेरा पर्सनल में कहना है, मैं इस पे बिल्कुल दावा नहीं ठोक रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप अपने ब्रोकर से सलाह लें, अपने एनालिस्ट से पूछें। मुझे लगता है कि बाजार डिस्काउंट कर चुका है, और अगर बाजार ने 26,100 बैंक निफ्टी ने अगर 26,100 के लेवल को सस्टेन किया तो बाजार में वापस तेजी आने को देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं हमेशा बात करता हूँ आपसे कि FIs और DIs क्या कर रहे हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़ा हैरान कर देने वाला, बिल्कुल दिल को तसल्ली देने वाला, मार्च महीने में आखिरी बाइंग की थी FIIs ने, उसके बाद अप्रैल महीने में 9,620 करोड़ की सेलिंग की थी। वनस्पत हमारे DIIs उसमें बाइंग कर रहे थे, पर अगर हम FIIs, अगर हम कहते हैं बाजार की दिशा को FIIs तय करते हैं, जैसा बहुत से एनलिस्ट का मानना है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स का ही मानना है, मई के महीने में 11,500 करोड़ की सेलिंग। देखिए दोस्तों, जून के पहले दिन, पहले ट्रेडिंग दिन तो 202 करोड़ की सेलिंग हुई है, बट कमाल हो गया, वेरी नाइस, वेलकम FIIs, हम यही कहेंगे, आपका फिर से स्वागत है। 4 जून को बाजार में FIIs का कॉन्फिडेंस लौटते हुए और 2,354 करोड़ की बाइंग FIIs देंगे। दोस्तों ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। देखिए हमेशा ये कहा जाता है कि अगर FIIs बाइंग में आ जाते हैं तो बाजार में एक दिशा तय हो जाती है, बाजार में फर्दर पैसा आ जाता है, नया पैसा आता है तो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है तो बाजार नए नए स्तरों को छूने की कोशिश करता है। ये एक अच्छा सेटअप है मेरे हिसाब से, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। वहाँ चलिए हम जून के महीने में वेलकम करते हैं, जो फरवरी में बजट के बाद जो बाजार की पिटाई हुई थी उसके बाद, जो फरवरी में देखिए 18,500 करोड़ की सेलिंग, मार्च में खाली 8,000 करोड़ की सेलिंग बाइंग की थी उन्होंने, उसके बाद भी 9,000 करोड़ की सेलिंग, 11,500 करोड़ की सेलिंग। अब देखते हैं इस महीने ऊँट किस करवट बैठता है। हालांकि मई के अगर डिटेल देखें तो पूरे महीने सेलिंग हुई थी, पूरे महीने आपने देखा होगा, पर ये शुरुआत अच्छी है जून की, देखते हैं ये इसको कैसे लेके चले। अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते हैं तो हो सकता है यहीं से यू टर्न हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। देखते रहें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करना करना ना भूलें। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इन वीडियोज़ को ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहें और आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।